नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का एक चैप्टर जो होगा आपका स्लॉगिज्म, यानी कि हम इसे स्लॉग्स भी कहते हैं, या हिंदी में हम बात करें तो न्याय और निगमन, जिसमें हमें कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम कथन और निष्कर्ष की, वैसे तो वो पार्ट अलग रहेगा, वो अलग चैप्टर है आपका, लेकिन ये आपका दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जैसे कथन पूर्व धारणाएं, ये आपके सभी एक में मिक्स रहते हैं और कुछ एक जैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस तो अलग होंगे लेकिन आपको कथन और निष्कर्ष एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आज हम कवर करते हैं स्लॉग्स यानी कि न्याय और निगमन। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्याय और निगमन की यानी कि स्लॉग्स की, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें छोटी सी बात समझनी होगी दोस्तों, क्या समझना होगा कि इसमें हमें दो चीज दे रखी होती हैं, एक तो दे रखा होगा हमको कथन, एक हमको दे रखा होगा निष्कर्ष, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवेन होंगी और हमसे पूछा जाएगा, सॉरी एक चीज गिवेन होगी हमको, क्या कथन दे रखा होगा, हमें कथन को देख करके निष्कर्ष अपना निकालना होगा। और कथन हमें कितने दे सकता है, हमें क्वेश्चन कितने कथन दे सकता है, देखो कथन एक भी दिया जा सकता है, दो भी दिए जा सकते हैं, तीन भी दिए जा सकते हैं या चार भी दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम आपको चार कथन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कथन जो देगा वो चार देगा। ऐसे ही निष्कर्ष, निष्कर्ष भी आपको एक भी दिया जा सकता है, दो भी दिए जा सकते हैं, तीन भी और चार भी, कितने भी दिए जा सकते हैं। तो आपको उस चीज़ से मैटर नहीं करना है, अपना सही क्वेश्चन आपको जल्दी से निकाल करके बता देना है कि ये सही है, ठीक है। एग्जाम में आपको सेकंड्स में सॉल्व करना है, वही चीज़ें मैं आपको कैसे आप सेकंड्स में इनको सॉल्व कर सकते हैं वही तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं हमें चार चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो चार चीज़ें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं दोस्तों, कथन के अंदर या निष्कर्ष को सॉल्व करते समय हमें चार चीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सभी, हमें यूज़ होगा सभी का, और हमें यूज़ होगा कुछ का, या हमें नहीं का, या होगा हमें कुछ नहीं का। ये मैंने चैप्टर आपको पहले करा रखा था 100 मान करके और 50 मान करके, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, और वो तरीका मेरे को लेटेस्ट अपडेट में सबसे अच्छा लगा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी और दिन रात इस चीज़ का मैंने देखा कि आपको कैसे इजी किया जाए। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो चार पांच बुकों से उठा करके मैंने एक एक करके सभी को लिया है, और सभी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी को मैंने एक एक करके आपकी स्क्रीन पर अब बताता रहूँगा, और सभी को ट्रिक बेस पर मैं बताऊँगा। कोई 50 और 100 का यूज़ नहीं होगा, कोई कैसी भी ट्रिक नहीं होगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा, और सेकेंड्स में विदाउट पेन की भी जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप डायग्राम भी अपने दिमाग में बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पेन वगैरह की, ठीक है। तो चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे वही चीज़ हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा, और स्क्रीन पर लगाने के बाद आप थोड़ा सा पढ़ना, पढ़ने के बाद मैं उसका तरीका, यानी कि पहला प्रश्न सॉल्व करूंगा उसका तरीका बताऊंगा, दूसरा सॉल्व करूंगा उसका तरीका, तीसरा सॉल्व करूंगा उसका तरीका, ऐसे जो भी क्वेश्चन मैं करता रहूंगा उसी का तरीका आपको बताता रहूंगा। और ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो आएगा उसे भी देख लेना, जितने भी आपके पॉसिबिलिटी और इधर कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैंने पॉसिबल वाले ले रखे हैं एक दो क्वेश्चन, और इधर कंडीशन वाले भी ले रखे हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑल मैन आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट्स, यानी कि आप इंग्लिश में खुद पढ़ लेना, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, छोटी से छोटी वीडियो रखने वाला हूँ जितनी ईजी हो सके। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, आप उस चैनल पर विजिट करें, और मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिटेल में, तीन पार्ट हैं लगभग 50-50 मिनट के, 45-45 मिनट के, उन तीनों पार्ट में इजी तरीके से बता दिया है पूरा कॉन्सेप्ट। आप सीजीएल लेवल तक कोई भी एग्जाम देंगे सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, वैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं, एक इसे ये मत समझना कि सभी आदमी कुत्ते हैं, ये सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम मत करना इस चीज़ का, सभी आदमी कुत्ते हैं। तो हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि ये जो सभी आदमी हैं वो सभी आदमी क्या दे रखे हैं भाई क्वेश्चन में, कुत्ते दिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया अपनी तरफ से, ये राकेश सर की किताब में है, उसी से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है भाई, बिल्ली है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
यानी कि सभी आदमी कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस कंडीशन में पहले आप छोटा सा एक टॉपिक समझ लें, समझने के बाद हम सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो ऐसी कंडीशन में, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो तरीका क्या है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, यानी कि ये वन होगा, ये टू होगा और ये थ्री होगा। जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझना, अगर हम चलें अंदर से बाहर की तरफ यानी कि एक से दो और तीन की तरफ, तो हमारी कंडीशन बनेगी ऑल वाली, ऑल यानी कि सभी की, हम क्वेश्चन को कहेंगे सभी हैं। अगर आपकी कंडीशन उल्टी हो रही है, यानी कि अगर तीन दो एक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम सम का यूज़ करेंगे, सम यानी कि कुछ का, ठीक है, कुछ का। तो अब आप देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी भूल जाऊँ थोड़ी देर, और मैं सिर्फ आपको बिना क्वेश्चन को देखे हुए इसको पढ़ करके कहूँ कि सभी आदमी कुत्ते हैं, वहाँ तो लिखा हुआ है, उसका मैटर ना करें, उसे भूल जाएं कि वो है कुछ। आप यहाँ ध्यान दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। सभी आदमी कुत्ते हैं, देखो एक से दो की तरफ जा रहा है, एक से दो की तरफ जा रहा है, सभी का यूज़ कर सकते हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सभी कुत्ते आदमी हैं, यानी कि दो से एक की तरफ जा रहा है, देखो दो से एक की तरफ जा रहा है, तो सभी कुत्ते आदमी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई मेरे, क्योंकि यहाँ तीन से एक की तरफ हो रहा है, कुछ का यूज़ हो रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। क्लियर है बात, यहां तक समझ आ रही है। ऐसे मैं कहूं कि सभी बिल्लियां आदमी हैं, सभी बिल्लियां आदमी हैं, तीन से एक की तरफ है, सभी बिल्लियां नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूं कुछ बिल्लियां आदमी हैं, तो सही होता, लेकिन मैंने सभी का यूज किया तो गलत है। अगर मैं कहूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो देखो सभी कुत्ते, कुत्ते कितने हैं, दो पर, ये तीन पर, दो से तीन की तरफ आ रहा है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये भी बात सही है। तो जहां भी आप देखें अंदर से बाहर की तरफ, हम हमेशा यूज करेंगे किसका, सभी का। अगर बाहर से अंदर की बात हो रही है, हम यूज करेंगे सम का यानी कि कुछ का। लेकिन मेरे भाई कभी कभी कंडीशन ये बनती है कि हम जब अंदर से बाहर की तरफ चल रहे होते हैं तो हम कुछ का भी यूज कर लेते हैं, किसका, सम का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ आदमी कुत्ते हैं, कुछ आदमी बिल्ली हैं, ये भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो देखो अब दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो हम कह सकते हैं कि सही है गलत है, तो देखो दो से तीन की तरफ जा रहा है, दो से तीन की तरफ हम कुछ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ का यूज़ आपका बहुत कम क्वेश्चंस में होगा। लगभग मैं बात करूं तो आपके, अगर आप 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि अंदर से बाहर जाने पर कुछ वाला भी सही कर रखा होगा, लेकिन आपने सही ही करना है, मिलेगा आपको ऑल, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स को, आंसर हमारा क्या रहेगा। दोस्तों देखिए, सभी आदमी बिल्ली हैं, पहला ही आपका निष्कर्ष है सभी आदमी बिल्ली हैं, तो देखो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी आदमी बिल्ली हैं, एक से तीन की तरफ जा रहा है, एक से तीन की तरफ ऑल का यूज़ हम कर सकते हैं, तो पहला वाला आपका क्या होगा, राइट होगा। दूसरा क्या है आपका, देखो दूसरा है सभी बिल्ली आदमी हैं, देखो सभी बिल्ली आदमी हैं, यानी कि पहले तीन और फिर एक, तीन से एक की तरफ सभी दे रखा है, हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा गलत है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़ें, दूसरा वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, जल्दी से आंसर देना उसका, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इतना समझना है और कुछ नहीं समझना है, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, जीरो से जीरो लेकर के आपको एकदम सीजीएल क्लियर करनी है, और आपको स्लॉक्स, जो भी स्लॉक्स के क्वेश्चन सीजीएल लेवल में, स्टेट पीसीएस में, जहां तक भी बनते हैं, सभी को आप देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर विजिट कर लेना, एग्जाम गढ़ पर मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है, सभी मछली कछुआ हैं, ये है सभी मछली कछुआ हैं, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने देखना है इसका कौन सा वाला जो निष्कर्ष है वो सही है, कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, देखो ये मगरमच्छ है, सॉरी ये मैंने पहले निष्कर्ष ही पढ़ दिया, देखो ऐसे है, ये कह रहा है सभी मछली कछुआ है, सभी जो मछली है ना, सभी मछली क्या है, कछुआ है, सभी मछली कछुआ है, और आगे कह रहा है कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी जो कछुआ है वो मगरमच्छ नहीं है, मगर को हम अलग लिख लेते हैं, मगरमच्छ नहीं है।
अब दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना आपके सामने कि एक अलग बन जाए, एक आपका डायग्राम अलग बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखो इसका इससे कोई भी संबंध नहीं बनेगा। जब इसका इससे नहीं बनेगा तो अंदर वाले से भी नहीं बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉसिबिलिटी वाले, पॉसिबिलिटी में आप बना करके देख सकते हैं कि ये सही है गलत है, उसका बात हम बाद में करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे पॉसिबिलिटी की। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन पर आप फोकस करें। तो यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि कुछ कछुआ मगरमच्छ हैं तो भी गलत होगा, कुछ मगरमच्छ कछुए हैं तो भी गलत होगा, कहने का मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ भी नहीं बनेगा, किसी के साथ भी नहीं बनेगा। अब कहना क्या चाह रहा है भाई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है यानी कि निष्कर्ष है वो कह रहा है कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है। पहली बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है, ये भी बात सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं, सभी ब्रेड पेस्ट्री हैं। देखो कुछ केक, ये केक हैं और कुछ केक क्या हैं, पेस्ट्री हैं। कुछ केक पेस्ट्री हैं और कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, ये क्या क्वेश्चन है। देखो अब भाई मेरे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना आप। देखो जब आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए, इसमें आपके दो तरह के डायग्राम बन सकते हैं, पहला तो यही बन रहा है, लेकिन ये हम बनाएंगे कब, जब हमारी बात पॉसिबिलिटी की हो रही हो। सॉरी, ये वाला जो बनाएंगे ये तो हम बना देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी बन रही हो आपकी तो आप कैसे बनाएंगे। पॉसिबिलिटी में आप देखेंगे पॉसिबिलिटी किसके साथ है, तब ऐसी कंडीशन में हम दूसरा डायग्राम का यूज़ करेंगे। सिंपल हम बनाएंगे ये वाला पहले, अगर आपका पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न नहीं है तो हम सिंपल ये तरीका बना करके देख लेंगे। इसमें कंडीशन जो बनेगी वो आपका केक का ब्रेड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, केक का पेस्ट्री के साथ हो सकता है और ब्रेड का पेस्ट्री के साथ हो सकता है। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं मेरे भाई, देखो ये केक है और ये पेस्ट्री है और ये ब्रेड है, तब भी हमारा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर हमारे जो निष्कर्ष हैं वो अलग हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपने निष्कर्ष की तरफ, हम ध्यान ज़्यादा नहीं लगाते इसमें, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखो क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था भाई कि एक बार फिर से बना देता हूँ, मैंने मिटा दिया है। देखो कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं, ठीक है, ये केक हैं, ये पेस्ट्री हैं, और कह रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड भी मैंने पेस्ट्री बना दिए, फिर से ऐसा ही बन गया। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो विजिबल होने में। कुछ केक पेस्ट्री है, ठीक है, और कुछ पेस्ट्री हम ब्रेड कर देते हैं, ये ऐसे बन गया। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई। अब हमको देखना है क्या इसके निष्कर्ष को, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना है। तो मेरे भाई देखो सबसे पहले पहली जो पॉसिबिलिटी है ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी है कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक ब्रेड होने की संभावना है। अब ये संभावना हमको बनानी है अपने तरीके से, और उस तरीके को लगा करके अगर आपके स्टेटमेंट यानी कि आपके कथन सही हैं तो ये भी सही रहेगा। हम बनाएंगे पहले पेस्ट्री का और केक का रिलेशन, यानी कि सभी पेस्ट्री दे रखा है ना, सभी है ना, हाँ सभी पेस्ट्री केक हैं, तो मैं सभी पेस्ट्री को केक लगा दूं। देखो सभी ये पेस्ट्री हैं, सभी पेस्ट्री को मैं क्या बना रहा हूँ, केक बना रहा हूँ, बना दिया। अब अपने कथन की तरफ चलें, कथन कह रहा है कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं। मैंने कहा था भाई जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो कुछ का यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमें, कोई दिक्कत होगी। देखो मैं कह दूं कि कुछ केक पेस्ट्री हैं तो क्या बात सही है गलत है, सही है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ का यूज़ कर सकते हैं, बात सही है, ये डायग्राम सही बन रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, तो मैं ब्रेड को यहाँ रख दूँ, कुछ ब्रेड पेस्ट्री बना दिए, बात क्लियर है। तो ये वाला जो डायग्राम है फॉलो कर रहा है, तो पहला वाला ये कथन क्या है हमारा,
सही है। अगर ये फॉलो नहीं करता किसी भी एंगल से तो ये गलत हो जाता। दूसरा तरीका जाओ, कुछ केक ब्रेड बनाने हैं, कुछ केक ब्रेड बनाने हैं हमने, तो चलो बना लेते हैं। कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक ब्रेड हैं, ऐसे ही तो बनेंगे। अब आ जाओ, अब कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक हमने यहाँ पे पेस्ट्री ले लिया, यहाँ ले लूँ पेस्ट्री को। अब मैं दोबारा से अपने कथन को पढ़ूँ, कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं, ठीक है, और कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, तो हम ऐसे ना लेकर के इसे ऐसे बना लेते हैं भाई, देखो इन दोनों के साथ यहाँ पेस्ट्री लगा दिया। अब इसके साथ देखो और अपने कथन के साथ देखो, आंसर सही होगा। कैसे? कथन कह रहा है कि कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं, क्लियर है बात, सही है यहाँ तक। अब कह रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक केक जो है वो ब्रेड हैं, तो इनका भी रिलेशन बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। क्लियर बात, यहाँ तक बात समझ आ रही, नीचे तक दिख रहा है सर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ये बात सभी की समझ आ गई मेरे को एक बार बता दें कमेंट करके, आ गई होगी सभी की समझ में, ऐसे तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसका जिसके साथ रिलेशन है, इतना सा ध्यान रखो, जिसका जिसके साथ रिलेशन है मेरे भाई, बस वही देखना है, वही बना के देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, सभी कार जीप हैं, सभी जीप बस हैं, सभी बस ट्रक हैं। ऑप्शन निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी ट्रक बस हैं, सभी बस जीप हैं, सभी जीप कार हैं, सभी कार ट्रक हैं। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सभी कार जीप हैं, सभी जो कार हैं वो क्या हैं भाई, जीप हैं, सभी कार जीप हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सभी जीप बस हैं, ये जो सभी जीप हैं वो क्या हैं, बस हैं। और आगे कह रहा है सभी बस ट्रक हैं, ये तो बहुत ईजी है, सभी बस ट्रक हैं। अब पहले इसको देखने से पहले इसको आप 1, 2, 3, 4 इस शेप में ले लो। इस शेप में लेने के बाद हम देखेंगे, 1 से हम 4 की तरफ चलेंगे तो सभी का यूज करेंगे, कुछ का भी कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ऑल का यूज नहीं कर सकते हम, कुछ का यूज करेंगे। देखो बात को ये समझना, अगर यहाँ पे 100 रुपये हैं, यानी कि आपके पास 100 रुपये हैं, आप किसी को 50 रुपये भी दे सकते हो, 40 रुपये भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या है, अंदर वाला ऑल है। जिसके पास अगर 100 रुपये हैं वो दे सकता है किसी को भी, जिसके पास ऑलरेडी 50 रुपये हैं यानी कुछ है, तो मैं किसी को भी 100 रुपये कैसे दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, 70 रुपये भी नहीं दे सकता, 60 रुपये भी नहीं दे सकता। तो कुछ से हम ऑल नहीं कर सकते, लेकिन ऑल से हम कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे क्या क्या बन रहे हैं, देखो हमारा निष्कर्ष पहला है, सभी ट्रक बस हैं, सभी ट्रक, देखो ट्रक बस हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, 4 से 3 की तरफ जा रहा है, सभी का यूज़ हो रहा है, पहला गलत है, क्योंकि कुछ का यूज़ होगा सभी का गलत हो जाएगा उल्टी कंडीशन में। सभी बस जीप हैं, सभी बस जीप हैं, ऐसे भी देखो 3 से 2 की तरफ जा रहा है, ये भी सभी का यूज़ हो रहा है, गलत है। नेक्स्ट आगे, सभी जीप कार हैं, सभी जीप कार हैं, तीसरा भी गलत है, कुछ का यूज़ होना चाहिए, सभी का हो रहा है, गलत है। नेक्स्ट, सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं, 1 से 4 की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है भाई चौथा वाला, ये बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ कहता है अगर कुछ कार ट्रक हैं तो भी सही होता है ना, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्तों दो चीज़ों का और ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, मैं नोट करके आपको लिखवा देता हूँ। देखो पहली कंडीशन, जब आपको स्टेटमेंट, जब आपको कथन अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि उसमें नहीं का यूज़ नहीं हो रहा है, तो कहीं भी आपका कंक्लूजन में भी नहीं का यूज़ नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी उसका क्या होगा, निष्कर्ष भी उसका क्या होगा भाई, पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा उसका निष्कर्ष। तो ध्यान रखना, जब हमारा कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। चलो और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, मैं बता रहा था आपको एक, हाँ, जब कभी भी अगर आपको कथन और निष्कर्ष दोनों सेम दे रखे हो, यानी कि कथन आपका निष्कर्ष में दिया हुआ हो, तो क्या निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा मेरे भाई। अगर आप SSC पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम, यानी कि रेलवे, इनकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, या पुलिस वगैरह की, जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, रेलवे, NTPC भी इसमें शामिल है, NTPC, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कथन आपका निष्कर्ष में भी आ रहा है
तो आपका हमेशा सही होगा, क्या होगा 100% सही होगा। लेकिन अगर आप दे रहे हैं बैंक का एग्ज़ाम, किसका भाई, बैंक का, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो निष्कर्ष होगा, अगर कथन सेम टू सेम लिखा आ जाए आपका निष्कर्ष में, तो गलत हो जाएगा। बैंक में, ओनली ऑन बैंक में, ठीक है, किस में भाई, बैंक में। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो जल्दी से आप समझना और करना उसको कुछ। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इसमें भी, कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ जो पेड़ हैं फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं और कुछ फूल पेंसिल हैं, कुछ फूल पेंसिल हैं, ठीक है, और कह रहा है कुछ पेंसिल मेज हैं, कुछ पेंसिल मेज हैं। आपको दे रखे हैं इसमें क्या स्टेटमेंट्स, क्या दे रखे हैं कंक्लूजन्स। दोस्तों जब तक कंक्लूजन आपका, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी वाला ना हो, पॉसिबिलिटी, तब तक आप इसका एक ही डायग्राम बनाएंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी आ रही है तो फिर पॉसिबिलिटी के साथ आप उसका क्या बनाएं, रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है, दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा होगा अगर आपकी ईदर कंडीशन दे रखी है, ईदर का मतलब या तो एक या दो, ऐसे करके आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि निष्कर्ष के बाद में जो होता है, या इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, ईदर के साथ आपको निष्कर्ष में एक ही साथ सम का यूज हो रहा हो, सम यानी कि कुछ का, और एक ही साथ नो का यूज हो रहा हो, नहीं का, और इसके जो सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट हैं सेम होंगे, तब हम इधर कंडीशन का यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी जब तक नहीं आएगी जब तक हम इसी का यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी जैसी आ जाएगी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम पॉसिबिलिटी के साथ इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर, देखो इसके निष्कर्ष हैं, कुछ मेज फूल हैं, कुछ मेज फूल हैं। देखो यहाँ पे मेज और फूल में कोई संबंध है, नहीं है, पहला गलत है। दूसरा, कुछ पेंसिल पेड़ हैं, कुछ पेंसिल पेड़ हैं, देखो पेड़ और पेंसिल में भी कोई संबंध नहीं है, दूसरा भी गलत है। तीसरे की तरफ आओ, तीसरा कह रहा है कुछ मेज पेड़ हैं, कुछ मेज कहाँ है, मेज पेड़ हैं, नहीं है, गलत है ये भी। आगे लास्ट है कुछ पेड़ पेंसिल हैं, कुछ पेड़ पेंसिल हैं, ये भी गलत है। देखो पेड़ और पेंसिल में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्लियर, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जंगल चीता हैं, सभी जंगल चीता हैं, सभी जो जंगल हैं वो क्या हैं भाई, चीता हैं, ठीक है, सभी जंगल चीता हैं, कुछ चीता घोड़े हैं, कुछ चीता घोड़े हैं, ये बन गई आपकी कंडीशन। अब आप देखना कि इसमें कंडीशन कौन सी हमारी लग रही है। देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। दोस्तों आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब तक, मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने बताया था आपको, देखो पहला निष्कर्ष क्या है इसका, कुछ घोड़े जंगल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है, कोई घोड़ा ठीक है, ये इसके दे रखे हैं आपको। और इस कंडीशन में दोस्तों अगर हम नॉर्मल तरीके से चलें तो हम कहते हैं कि, अगर देखो हम नॉर्मल तरीके से कहते हैं कि कुछ घोड़े जंगल हैं, तो यहां देखो कुछ घोड़े जंगल हैं, नहीं है, गलत बात है। यहां कह रहा है कि नेक्स्ट, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, बात सही है ठीक है। तो हम क्या कह देते हैं कि पहला गलत है दूसरा सही है, मेरे भाई यही कंडीशन होती है, नहीं होती है? और आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि हाँ सर पहला गलत है दूसरा सही है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई इनमें से या तो एक सही है या दो सही है, हम नहीं कह सकते 100% कौन सा सही है। इसमें कंडीशन लगेगी कौन सी, ईदर कंडीशन, यानी कि या तो एक, एक या दो, कोई सा भी एक सही है इनमें से। कैसे देखेंगे भाई, मैंने एक चीज आपको बतानी है, क्या मैंने आपको थोड़ी सी पहले भी एक कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी कि जब आपको एक साथ सम का यूज हो रहा हो, कोई यानी कि कोई नहीं, यानी कि सम
और नो दोनों एक साथ आ रहे हों या सम सम एक साथ आ रहे हों, घोड़ा और घोड़ा दोनों यानी शब्द ये दोनों एक साथ हों, इधर भी हो सकते हैं, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में एक साथ हों, जंगल जंगल हो और यहाँ नहीं का यूज़ हो रहा हो, यहाँ पे क्या है कुछ और यहाँ पे क्या है नो, यानी कि कोई नहीं, बात एक है ना कोई नहीं। तो आप ऐसी कंडीशन में जब आपके ये दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हों, कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट, आपका प्रेडिकेट और सम और नो दोनों आपके निष्कर्ष में एक साथ हों, आंख बंद करके मेरे भाई क्या करना है आपने, आंख बंद करके आपने सिंपल तरीके से इधर कोर में चले जाना है। इधर कोर का मतलब क्या होता है, या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, क्लियर बात। इधर कोर में चले जाना है, यहाँ पे देखना ही नहीं है, आपने एक साथ दिख जाए ना ऐसे, बस इधर कोर में चले जाना है। और जो एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस दे रखे हों, जो निष्कर्ष एक्स्ट्रा दे रखे हों, फिर वो लगा लगा कर देख रहे हैं आपको कैसे सही होंगे। दो डायग्राम बनते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो अभी दो ही दे रखे थे आपको, दो के लिए कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने देखना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, आपने तुरंत इधर कोर में चले जाना है। देखो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी होगी नहीं उसमें। तो बहुत बड़ा सवाल है और बड़े ध्यान से समझना है, इसके बाद आप धुरंधर बन जाएंगे आप कथन निष्कर्ष के यानी कि श्लोक्स के, न्याय निगमन के। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना ध्यान से, इसी को समझने की बात है, बाकी सब इजी इजी था। देखो ये कह रहा है सभी सड़क ईंट हैं, कुछ ईंट रस्सी हैं, सभी फसल दरवाज़ा हैं, ये फसल की जगह रस्सी कर लेना, सभी रस्सी दरवाज़ा हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है ऑल डोर आर रोप्स, सॉरी ऑल रोप्स आर डोर्स, तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। देखो मैं इसके बना देता हूँ डायग्राम, डायग्राम क्या है मेरे भाई, देखो ये कह रहा है कुछ कुछ सड़क दरवाजे हैं, सॉरी कथन को पढ़ते हैं, सभी सड़क ईंट हैं, सभी जो सड़क हैं वो सभी सड़क क्या हैं भाई, ईंट हैं, सभी सड़क ईंट हैं, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़े, कुछ ईंट रस्सी हैं, कुछ जो ईंट हैं वो क्या हैं, रस्सी हैं, ऐसी तो बन रहा है। आगे चलो, सभी रस्सी दरवाजा हैं, ये जो सभी रस्सियां हैं वो क्या है, दरवाजा है। अब आपको देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, यानी कि कथन क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं आपको इसके चार, और चार कौन कौन से दे रखे हैं भाई, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे ईंट हैं, कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं, सभी दरवाजे रस्सियां हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप दिमाग लगा रहे होंगे कि सर क्या करना है, कि पहले वाले को पढ़ेंगे सभी सड़क दरवाजे हैं, सभी सड़क दरवाजे नहीं हैं, गलत है, पहला क्या है गलत है। दूसरे की तरफ आओ, दूसरा कह रहा है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, ये कह रहा है सभी सड़क दरवाजे, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे हैं, दरवाजे और सड़क में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो पहला वाला हमने गलत कर दिया। दूसरा कुछ दरवाजे ईंट हैं, कुछ दरवाजे ईंट हैं भाई, सही बात है, देखो ईंट और दरवाजे कुछ हैं, यहाँ से यहाँ तक रिलेशन बन रहा है। आगे बढ़े, कह रहा है कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं, कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। आगे आ जाओ, कह रहा है ये क्या कह रहा है भाई, कुछ कह रहा है सभी सभी रस्सियाँ सभी दरवाजे रस्सियाँ हैं, सभी दरवाजे रस्सियाँ हैं, सभी दरवाजे रस्सियाँ नहीं हैं, ये भी गलत है। तो आपने नॉर्मल तरीके से ये बता दिया, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, अभी एक ही मिनट पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, उसमें क्या बताया, मैंने बताया था आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हों, एक जैसे हों, तो आप इधर कोर में चले जाएंगे। देखो क्या है, यहाँ हम पढ़ें पहले वाले को, कुछ सड़क दरवाजे हैं, लिखे देता हूँ यहाँ भी, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखना तीसरा वाला, कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं, तीसरा कह रहा है कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं। देखो सम का और नो का यूज़ हो रहा है, दरवाजों का यूज़ हो रहा है, सड़क का यूज़ एक साथ हो रहा है। देखो अब पहले और तीसरे को देखो, कुछ का यूज़ यहाँ हो रहा है, कुछ नहीं का यूज़ यहाँ हो रहा है, तो कहने का मतलब सम का यूज़ यहाँ हो रहा है और नो का यूज़ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, क्लियर। तो आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया इसको, क्लियर। उसके बाद सड़क यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब्जेक्ट समान है, प्रेडिकेट दरवाज़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तुरंत इधर कोर में चले जाएँ, या तो आपका पहला सही होगा या सही होगा आपका तीसरा। अब आपको दो ऑप्शन और दे रखे, वो मैच और करके देखने हैं, वो मैच आप कैसे करेंगे मेरे भाई, वो मैच आप कैसे करेंगे, ये देखो आपने मैच ऐसे करना है कि एक तो कंडीशन आपकी बन रही है ये वाली, कुछ सड़क दरवाजे हैं, देखो कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे और सड़क यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है, कुछ सड़क
दरवाजे नहीं हैं, कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं, ये कंडीशन सही हो रही है। अब इसके माध्यम से और बना करके देखो आप डायग्राम, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे कैसे बनेंगे? देखो मैं ऐसे बना करके देखूँ कहाँ बनाऊँगा इसको, इसको मिटा देता हूँ। ऊपर कहाँ तक आ रहा है सर? चलो यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, हमें बनाना है क्या? ये है ही नहीं, ये है, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे हैं, क्लियर। अब सीधे सीधे चले जाओ अपने कथन की तरफ, सभी सड़क ईंट हैं, सभी सड़क ईंट हैं, ऐसे आ जाओ, ईंट बन गई, सभी सड़क ईंट बन गई, क्लियर। आगे आ जाओ, कुछ ईंट रस्सियां हैं, कुछ जो ईंट हैं वो क्या हैं भाई? रस्सी है, कुछ ईंट हमने रस्सी बना दी, और कह रहा है सभी रस्सी दरवाज़ा हैं, तो हम कुछ ईंट यहाँ से ऐसे नहीं बना सकते क्या? कुछ ईंट हमारी क्या है? रस्सी है, तो रस्सी हमने यहाँ बना दी, दिख रहा है ना आपको रस्सी? थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस कंडीशन चल रहा है, कुछ सड़क हमें दरवाजे बनाने हैं, जिसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। इसके साथ तो बन रहा था, कुछ सड़क दरवाजे नहीं है, कुछ सड़क दरवाजे नहीं है, दोनों में रिलेशन नहीं था, बात सही है, ये तो सही होगा। ये कैसे सही होगा? कुछ सड़क दरवाजे हैं, हम दूसरा बना रहे हैं ऐसे, कुछ सड़क दरवाजे हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है, आगे कह रहा है भाई सभी सड़क ईंट हैं, सभी सभी सड़क ईंट हैं, देखो ऐसे बना लो, सभी सड़क ईंट हैं, सभी रस्सी, सभी कुछ ईंट रस्सी हैं, कुछ ईंट रस्सी हैं, यहाँ बना लो, ये है रस्सी हमारी, आगे बढ़ो, सभी रस्सी दरवाज़ा हैं, सभी रस्सी दरवाज़ा हो गई। अब हमारा जो डायग्राम है वो कथन से ये भी फॉलो कर रहा है और कथन से ये भी फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, और दोनों फॉलो कर रहे हैं कहने का मतलब हमारा अब इधर कोर में चला गया। अब दो ऑप्शन और बचे हैं ना, उनको आप इनसे मिला करके देख लो। एक तो बचा है हमारा दूसरा, कुछ दरवाजे ईंट हैं, देखो कुछ दरवाजे ईंट हैं यहाँ, कुछ दरवाजे ईंट हैं यहाँ भी सही बात है, देखो हैं, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ देखना कुछ दरवाजे ईंट हैं यहाँ भी रिलेशन बन रहा है, क्लियर है बात? रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये बात क्या है हमारा? एक दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला तीसरा और दूसरा। अब एक और बचा हुआ है हमारा, कौन सा बच रहा है? चौथा, सभी दरवाजे रस्सी हैं, सभी दरवाजे, देखो ये सभी दरवाजे क्या रस्सी हैं? नहीं है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ का यूज़ होता है, सभी का यूज़ नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ आ जाओ, सभी दरवाजे रस्सी हैं, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है जो हमारा चौथा वाला है वो गलत है, और सही कौन सा है? ये तीनों हमारे सही हैं, इधर कोर या तो एक या तीन और दूसरा सही है। देखो यहाँ पर हम किसके साथ चलेंगे? हम चलेंगे ओनली ओनली वन टू एंड थ्री, ओनली वन टू एंड थ्री, यानी कि केवल एक दो और तीन अनुसरण करते हैं, क्लियर है बात? तो यहीं पे आज वीडियो का एंड भी करते हैं, वीडियो का काफ़ी लेंदी हो गया है, इतनी कोशिश नहीं थी कि इतना लेंदी हो जाएगा, बात क्लियर समझ आ गई होगी आप सभी के, सभी चीज़ें समझ आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, उसमें मैं आपको डिटेल में सारी की सारी डिटेल में रीजनिंग करा रहा हूँ, तो डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जा करके विजिट करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।